हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको स्प्लिनोमेगाली माने स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है, इसकी टॉप 5 दवाइयाँ बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्प्लिनोमेगाली का मतलब होता है स्प्लीन का साइज में बढ़ जाना। दोस्तों, लीवर का साइज में बढ़ जाता है ये तो सब जानते हैं और सब इसका ट्रीटमेंट करते हैं। स्प्लीन जो है एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे एब्डोमेन के अपर एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में रिब्स के नीचे रहता है। इसका बहुत बड़ा फंक्शन है। इसके फंक्शन के विषय में बात करेंगे तो एक घंटा हम लेक्चर दें तभी जो है क्लियर नहीं होगा, क्योंकि स्प्लीन जो है हमारे इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होता है। यह जो है ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को प्योरीफाई करता है, ब्लड को स्टोर करता है और WBC यानी ल्यूकोसाइट बनाता है, जो कि हमारे बॉडी को इन्फेक्शन होने से बचाता है। इसका और काम है, यह हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमारी रक्षा करता है, यह जो है वायरल इन्फेक्शन से हमारी रक्षा करता है। लेकिन लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, खाली जब अल्ट्रासाउंड कराए तो इसमें आ गया कि लीवर इनलार्ज्ड एंड स्प्लीन इनलार्ज्ड, तो लीवर की दवाई दे दिए और स्प्लीन बेचारा वो बिना दवाई के डिस्टर्ब रहता है। स्प्लीन जो है अगर डिस्टर्ब हो गया तो जानते हैं आप क्या होता है, आपका जो ल्यूकोसाइट कम हो जाएगा, ल्यूकोपेनिया हो जाएगा, आपका जो है प्लेटलेट कम हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो गया, और इसके बाद में आपको भूख नहीं लगेगी, आपके अपर एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में हमेशा भारीपन रहेगा, लेथर्जिक रहेगी, कुछ काम करने की इच्छा नहीं रहेगी। तो ये सब कॉमन सिम्टम है जो कि स्प्लीन इनलार्जमेंट जब हो जाता है तो ये सब परेशानी होती है। तो मैं आपको कुछ ऐसी दवाई बताऊँगा कि जो स्प्लीन अगर इनलार्ज है तो आप सिम्टम के अनुसार अगर दवाई देते हैं तो आपका स्प्लीन भी लीवर की तरह हमेशा नॉर्मल रहेगा और नॉर्मल फंक्शन करेगा। दोस्तों, इसकी पहली दवाई का नाम है ब्राउनिया। ब्राउनिया हम सब जानते हैं कि बहुत कॉमन दवाई है, लेकिन ब्राउनिया भी स्प्लीन की एक अच्छी दवाई है। ये हम ऐसे केस में देते हैं जब हम चलते हैं तो हमको लेफ्ट साइड में दर्द होता है, जब चलते हैं तो लेफ्ट साइड में यहाँ पर कोने में दर्द करता है और जब रेस्ट कर लिए आराम हो गया। ऐसे पेशेंट को कब्जियत रहती है, स्टूल ड्राई हार्ड रहता है, प्यास लगती है, इसके अलावा टंग जो है कोटेड रहती है, तो ऐसे पेशेंट को ब्राउनिया 30 की 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कम से कम 1 महीना देने से उनका स्प्लीन का फंक्शन नॉर्मल हो जाएगा, उनका स्प्लीन जो इनलार्ज्ड है वो जो सामान्य हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है चाइना 30। हम ऐसे केस में देते हैं जब कोई पेशेंट एनीमिक हो जाए, उसका हीमोग्लोबिन कम हो जाए, उसका RBC कम हो जाए, उसको कमजोरी लगती रहे, थकान होने लगे, कुछ भी काम करने से उसकी सांस फूलने लगती है, एनीमिया का जितना सिम्टम है वो सारे सिम्टम उसके अंदर आ जाता है, तो ऐसे पेशेंट को चाइना 30 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कम से कम 1 महीना देने से उसकी जो है प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है आर सायोड 30। इसको भी 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लेना है। ये ऐसे केस में दिया जाता है स्प्लीन के अंदाज में जिसमें आप खाना खाए हैं या नहीं खाए हैं, आपका जो है फुलनेस रहता है, पेट हमेशा भारी भारी रहता है, तो ये सिम्टम तो गैस्ट्रिक सिम्टम ही हो सकता है। लेकिन अगर आपका अल्ट्रासाउंड में स्प्लीन लार्ज है और आपको जो है खाए या बिना खाए आपका पेट हमेशा फुलनेस रहता है, भारीपन रहता है, तो ऐसे केस में आप आर सायोड 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लीजिए, आपका जो है प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है मैग्नोलिया ग्रैंडी फ्लोरिका। इसको भी 30 पावर में देते हैं। यह हम ऐसे केस में देते हैं जो हमारा स्प्लीन इलाज हो जाए और हार्ट तक दिक्कत हो जाए, माने स्प्लीन में दिक्कत हो गई है, आपको हार्ट में भी कोई दिक्कत हो रही है, तो ऐसे केस में आप जो यह दवाई 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कुछ दिन दीजिए, आपकी यह प्रॉब्लम आराम हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है ग्रिंडेरिया हम ऐसे केस में देते हैं, ऐसे स्प्लीन के केस में देते हैं जब हमारा जो है हमको बुखार हुआ है और बुखार कई बार बुखार हुआ है और बुखार के कारण जो है उसके बाद में आपको स्प्लीन इंदार्ज हो गया है, एग्जैक्ट कारण मालूम पड़ गया कि बुखार ठीक होने के बाद में या बुखार दबने के बाद में स्प्लीन बढ़ गया है, तो इसके लिए ग्रिंडेरिया 30 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लीजिए, आपकी यह प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, आपका स्प्लीन नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों, हमारी अगली और अंतिम दवाई है और बोनस दवाई है सियोनेथस मदर टिंचर। यह ऐसी दवाई है कि आप हर एक स्प्लीन इंडार्जमेंट में बड़े आराम से 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार दीजिए, बाकी दवाई का सिम्टम मिले तब दीजिए, नहीं तो मत दीजिए, लेकिन स्प्लीन के इंडार्जमेंट के हर एक केस में आप सियोनेथस मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कम से कम 1 महीना दीजिए, आपकी यह प्रॉब्लम आस्ते आस्ते नॉर्मल हो जाएगी।
दोस्तों आज मैं आपको स्प्लीन इंडजमेंट की टॉप दवाई बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो हमको व्हाट्सएप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट में भी जाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है drpstiwari.com। आप हमारे ऐप में भी जाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा ऐप का नाम है drpstiwari, जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।